वेलकम टू द कश्मीर व्लॉग सीरीज. सो इट्स अ पार्ट टू, नहीं पार्ट थ्री. सो आज हम लोग हैं डे थ्री पार्ट थ्री. सो अभी हम लोग, जैसे कि कल तक हमने देखा था श्रीनगर, हम लोगों ने पूरा घूम लिया था. सो आज हम लोग जा रहे हैं दूध पत्री. इट्स अ हिडन ब्यूटी ऑफ कश्मीर. ओके, सो सबसे पहले गुलमर्ग का सीन बता देते हैं. गुलमर्ग के लिए गंडोला राइड करनी होती है. इन्फॉर्मेशन देना मेरी ऑडियंस को. सो हमने ये बिठा लिया. ये सांडे महाराज ने लेट कर दिया था. कल तक ये महाराज थे, आज से सांडे महाराज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बुकिंग नहीं की टाइम पे रहते हुए. तो फिर हम तीनों की बुकिंग हो ही नहीं पाई वहाँ के लिए. वहाँ पे दो फेजेस होते हैं. एक फेज तक बहुत अच्छा व्यू है और दूसरा फेज आपको बिल्कुल टॉप पे ले जाता है, जहाँ पे अभी अप्रैल के मंथ में भी आपको काफी बर्फ देखने को मिलेगी. वहाँ पे बर्फ वाली सारी यू नो एक्टिविटीज होती हैं. चार्जेस क्या था फर्स्ट फेज का? टोटल 1600 है दोनों फेज का. गंडोला राइड होती है, क्या बोलते हैं गंडोला को, वो रोप वे से वहां पे जाते हैं. एंड देन वहां पे बहुत ब्यूटीफुल सीन है. बट अकॉर्डिंग टू द लोकल्स हेयर, इन्होंने बताया कि गुलमर्ग में अभी, क्योंकि वहां पे इतना कुछ ब्यूटी नहीं रहा है एंड क्योंकि हर कोई वहां जाता है, सो इट्स बेटर टू गो टू दूध पत्री, जो श्रीनगर से कितने घंटे का रास्ता है, टू आवर्स का रास्ता है, 60 किलोमीटर्स. बट ये लोग, हर कोई, मतलब हमने कल बहुत सारे लोगों से बात करी वहां पे, हर कोई इसका इसकी तारीफ कर रहा था बहुत ज्यादा. सो वो तो हम जाके ही बता पाएंगे कि कैसा है और कैसा नहीं है. बट मैं चार्जेस की बात करूं तो यहाँ से श्रीनगर से दूध पत्री का आपको कैब ही, पर्सनल कैब जैसे यहाँ करना पड़ता है, तो क्या चार्जेस है पर्सनल कैब के? 2500 रुपीज में हमने बुक किया है. सो आप यहाँ से बुक कर सकते हो एंड वहाँ पे जाओगे, जिसमें यू नो भैया आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं. देन आपको आपके होटल में लास्ट शाम में मतलब उतार देते हैं. सो गुलमर्ग की जगह हमने ये चूज किया है. ऑल्सो जो कश्मीर में फेमस है सोनमर्ग. सो सोनमर्ग गाइज खुद ही, मतलब वीडियोस भी देखी थी, इतना कुछ खास नहीं लगा था. लोकल्स भी बोल रहे हैं, मतलब हर कोई सोनमर्ग ऐसा ही है, सोनमर्ग ऐसा ही है. सो सोनमर्ग हमने टोटली स्किप किया, बिकॉज हमें अपने दिन कोई बर्बाद नहीं करने हैं. एंड गुलमर्ग का वी कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे अगर गंडोला राइड की टिकट नहीं मिल रही है तो वहां जाना वेस्ट है, क्योंकि वहां सिर्फ यू नो हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, जो करके हमें अपना पूरा डे बर्बाद नहीं करना, क्योंकि 2500 हम इन्वेस्ट करेंगे वहां जाने के लिए. सो चलो दूध पत्री चलते हैं. रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, वादियां दिखाएंगे. पत्री के रास्ता बहुत ही सुंदर है और पानी का शोर आप लोगों को आ रहा होगा, मेरे शोर से ज्यादा. यहाँ पे बहुत पानी है, बहुत ठंड है, मेरे कपड़ों पे मत जाना, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे. तो ये मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कुछ बोलूँ उससे बेटर है कि आप बस व्यूज का मजा लो. The way to दूध पत्री is beautiful. इधर आपको अखरोट के पेड़ देखने को मिलेंगे, एप्पल ट्री देखने को मिलेगा, जिसमें भी एप्पल नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है. लाइक श्रीनगर का और यहाँ का वेदर देखे तो यहाँ काफी ज्यादा ठंड है. सामने ही पहाड़ों पे बर्फ है, इस साइड पूरा धुंध हो रखा है, लग ही नहीं रहा कि ये दोपहर हो रही है यहाँ पे, वो भी अप्रैल के मंथ में. तो सोचो सर्दियों में तो यहाँ क्या हाल होता होगा. ऑल ओवर ग्रीनरी है, इट्स अ ट्रीट टू द आईज, यू नो व्हाट आई मीन. मतलब ऐसा लग रहा है कि आंखों से सच में हेवन ही देख रहे हैं. हर चीज बहुत ब्यूटीफुल है. अभी तक तो हमारा यू नो आया भी नहीं है डेस्टिनेशन, अभी भी 4 किलोमीटर बचा है. ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा लग जाता है यहाँ पे आने में. सो अभी तो मैं पहुंचेंगे और फिर दिखाती हूँ, एंड व्यूज में बीच बीच में दिखाती रहूंगी, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा बढ़िया है एंड ठंड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे. लोकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लोग यहाँ पे रहते हैं, झरने देखने को मिलेंगे बीच बीच में, बहुत ठंडा पानी सीधा से यू नो बर्फ से आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पेड़, खूबसूरत मतलब एकदम ब्यूटीफुल वाला पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, एंड बहुत ज्यादा ठंड है. Thank you.
बहुत सुंदर एक लोकेशन देखने को मिली रास्ते में. Look at it! भागो क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है. ओह गॉड ज्यादा बारिश हो चुकी है. हमें भागना है अपनी गाड़ी में. ओह गॉड कहाँ है बर्फ? कहाँ है बर्फ? बर्फ ही तो है यहाँ पे. बहुत ठंड हो चुकी है. ये यहाँ पे दूध पत्री आके आपको ऐसा बीच का रास्ता तो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत बड़ा है ओवरऑल, बट यहाँ पे नीचे एक व्यू पॉइंट है, झरना ये गिर रहा है और आपको वहां जाना अलाउड है, वहां पे जा सकते हो. तो चलते हैं. ठंड बहुत है यहाँ एंड कंटिन्यू बारिश हो रही है हर थोड़ी देर में. एंड यहाँ पे खाने के लिए आपको मैगी और चाय मिल जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ. यहाँ पे आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी. सांस फूल गई है चलते चलते. पानी का शोर बहुत ज्यादा है. ओवरऑल गाइज यहाँ पे ना भी बहुत सारे लोग हमें मिले जिनसे हमने बात करी, तो उन्होंने बोला कि गुलमर्ग, वो लोग जो लोग कल गए हुए थे, उन्होंने बोला गुलमर्ग में ऐसे जाके लगा कि क्या करें, और यहाँ लग रहा है कि घंटों पर बैठे रहे कि ये गुलमर्ग से बहुत ब्यूटीफुल है. अब गुलमर्ग मैंने तो देखा नहीं तो मैं आपको इतने दावे से नहीं बोल सकती, बट मैं यहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ. मतलब जो यहाँ पे टूरिस्ट है हम लोगों की तरह ना, वो लोग खुद ही ये बात बोल रहे हैं. तो जगह तो मजेदार है. हम लोग वहां उस पॉइंट से तो निकल गए हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे हैं. हम हैं जन्नत के बीच में. सो अभी हम यहाँ पे स्पेशली रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी है इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ चाय पीते हुए इन चेयर्स पे बैठ के. तो वो व्यू हम लेने वाले हैं, कैप्चर करने वाले हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है. गाइज अब हम लोग फिर से बहुत सारे बीच बीच में ना साइट सींग है, तो हम फिर से यहाँ पे रुक चुके हैं. हमारे साथ जो भैया है जो ड्राइव कर रहे हैं, ही सुपर स्वीट एक्चुअली. यहाँ पे सभी सब बहुत अच्छे हैं. उनका भी मैं फोन नंबर आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन्हें बुक कर सकते हो सो देट आप यू नो जगह जगह रुक के सारे व्यूज ले सको. सो यहाँ पे से हॉर्स राइडिंग होती है, तो आप घोड़े को जो है ऐसा रेंट पे लेके एंड देन आप इस व्यूज में ऐसे चल सकते हो. बहुत लोग ये कर भी रहे एक्टिविटी. एंड यहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियां भी है. भेड़ है बकरियां, हाँ तो भेड़ ही बोलते हैं शीप को. और यहाँ पे घोड़े हैं. बस इसको इधर सबके साथ फोटो खिंचाने, किसी को नहीं छोड़ रहा है आदमी, समझ रहे हो ना, देख रहे हो. सब भाग गई, नहा के नहीं आया क्या आदमी? भाग गई. ओए होए, देख रहे हो गाइस क्या नजारा है, सब भगा दिया सुनने. क्या खूबसूरत फिजाएं हैं. तो गाइस ये पूरा एक्सपीरियंस था हमारा दूध पत्री का. इसलिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दूध वूध निकला था, उस चक्कर में यहाँ का नाम दूध पत्री रखा गया. से बोलना बाद में क्या. सो गाइस ये था पूरा दूध पत्री का एक्सपीरियंस. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. एंड गुलमर्ग के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही गुलमर्ग और सोनमर्ग के लिए, लेकिन यही ओवरऑल हुआ है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग से ज्यादा सुंदर है ये पूरा. वहाँ पे बर्फ दिख रही है, ठंड बहुत ज्यादा. आप लोगों को मेरी आवाज से दिख रहा होगा, मेरे कपड़ों पे बिल्कुल मत जाना, मेरे हाथ फ्रीज हो रखे हैं. यहाँ पे अप्रैल का महीना है तो ये बहुत सुंदर है. टेक अ व्यू एंड यस कल मिलेंगे हम पहलगाम में. तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आ जाओ यार कश्मीर घूमने के लिए.